तो छोटे वाले सिंगल लिविंग रूट्स में हम पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये जीता हुआ यहाँ ये पेड़ से निकला है। ये पेड़ जो होता है ना, पुटकल का पेड़ कहते हैं। वेलकम टू चिरना एल्का टूरिज्म। चिरना एल्का टूरिज्म यहाँ पे है। 5 PM क्लोज हो जाती है बिजी टाइम। हम यहाँ पे बाइक स्टैंड करा सकती है। मैं इधर लगा देती हूँ, कोई MSC आई हुई है। चलो इधर ही पार्क करा देते हैं आज। भाई साहब ये देखो, आपको ये बम्बू स्टिक मिल जाता है ट्रैकिंग के लिए अगर चाहिए तो। कितने करके भैया? ओनली 20 रुपीज़ है। आप चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे एंट्री के लिए हम रख दिया है और वहाँ से एंट्री पॉइंट है अर्ली 6 AM से 5 PM तक होती है, मतलब 11 घंटा खुली रहती है। चलो अच्छी बात है। सिंथू चुंग का ब्रिज और क्या डबल डेकर और रिथन। ओ ये देख सब अलग अलग है भाई। यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। वेल सो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आज का ये ट्रैक। मजे करना है तो आपको भी आना पड़ेगा यहाँ पे, शायद कोई बात नहीं। और यहाँ पे पार्किंग चार्ज एक बाइक के 40 रुपये लगती है और यहाँ पे एंट्री फीस शायद अभी तक हमें नहीं पता, थोड़ा सा आगे जाके शायद पता चलेगा। यहाँ पे शायद ये सोफ फॉर ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। ओ माय गॉड, 6 पीपल। रास्ता यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे ऊपर कहीं पे भी जा सकते हो आने के बाद में। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम से हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आप ऊपर मत जाओ, नीचे वाला पे आ जाओ। होम स्टे वाला रोड पे नहीं, उनका बगल वाला रोड पे आना और यहाँ से सीधे नीचे उतरते हुए आप सीधा चले जाइए। देखो हम लोग जा रहे हैं अभी। हम लोग 7:15 में जर्नी स्टार्ट किए थे, वहाँ से ट्रैकिंग किए थे हम तीनों मिल करके। और हमारे पहले ए भाई आए थे बट ये लोग बहुत जल्दी पहुँच गए नीचे। हमारे से एक साथ एक्सपीरियंस होगा। बट अभी हम यहाँ पे पहुँचे 45 मिनट के बाद में। यहाँ पे एक छोटा सा टी स्टॉल है और यहाँ पे रुके हैं। सिंगल के लिए उस तरफ है 3 मिनट का रास्ता, डबल के लिए यहाँ पे। पहले हम डबल करेंगे उनके बाद में सिंगल करेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा चाय पानी, हो सके तो आप लोग पानी कैरी करो ऊपर से। ये देखो चाउमीन बोल रहा हूँ मैगी और रहती। अभी मजे करते हैं। और एक बात शेयर करनी थी, अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो गाइड के लिए 700 गाइड्स यहाँ से मिलता है आपको। इंट्रेंस से ही मिल जाती है आप पर ग्रुप के लिए, चाहे आप 2 आओ 3 आओ 10 आओ 20 आओ, उनके लिए कोई मीटर नहीं, बट पर गाइड का 700। डबल डेकर रोड में जाते हुए यहाँ पे एक आयरन ब्रिज मिलता है, वो काफ़ी क्यूट है। वहाँ से देखो 100 मीटर का दूरी पे होगा बट मस्त का है। पानी देखो, आप नीचे नहा भी सकते हैं। हमने सेकंड वाला ब्रिज जो है ये क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ एक कॉफ़ी स्टॉल है, कुछ गांव है यहाँ पे। ये क्रॉस करते एक घर मिलता है और कॉफ़ी हाउस वगैरह मिल जाएगा शायद। ये होटल वगैरह है और यहाँ तक आने के लिए शायद आपका 2 घंटा लग जाएगा यहाँ तक आने के लिए, 2 आवर्स। हाय, व्हाट इज योर नेम? एड्रियन। ओके नाइस। ये भाई साहब का नाम एड्रियन है। यहाँ तक आते आते 5-4 हो जाएगा भाई। तो छोटे वाले सिंगल लिविंग रूट्स में हम पहुँच चुके हैं। ये देखो, ये जीता हुआ यहाँ ये पेड़ से निकला है। ये पेड़ जो होता है ना, पुटकल का पेड़ कहते हैं। पुटकल का जड़ है ये और वो बोट पेड़ का जड़ है पुटकल। और ये देखो जड़, ये पहला लिविंग रूट ब्रिज। फिर हम यहाँ से निकल पड़े हैं डबल डेकर और रेनबो के लिए, रेनबो वाटरफॉल के लिए। और उस तरफ रह गए हैं, 2 रह गए हैं, क्या क्या नाम थे मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं, ये वही रोड है डबल डेकर वाले। फाइनली हमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिल चुका है का जिंग पिंग बा। यहाँ पे वार्निंग देख लो और यहाँ पे शायद कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन। यहाँ पे सारा प्रॉब्लम और रेनवे फोर्स 3 बजे के बाद मत जाइए। सभी को यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है, यू हैव टू मेक एंट्री हियर।
बाय योर नेम। हाँ अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे फी देना पड़ता है 50 रुपया पर हेड पर पर्सन का, और गोप्रो कैमरा अगर कैरी कर रहे हो गोप्रो के 100 रुपीस, और ये है डबल टिकट, दिस डबल टिकट राइट, यो हम आ गए हैं डबल टिकट, ये देखो बैठ कर फोटो खींच रहे यार, नीचे चले पहले, ऊपर से नहीं पहले नीचे से चलते हैं, उनके ऊपर में चलते हैं। अरे भाई पेड़ क्यों देखते हो? अभी एक बात बताऊंगा, इसे डबल टिकट क्यों कहते हैं। अभी देखो ये जो रूट्स है मतलब जड़ है, एक्चुअल में इसे जड़ कहते हैं, जड़ जो आया हुआ है यहाँ से बोटो का पेड़ का जड़ है। और इसे डबल टिकट क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखो एक रूट्स, यहाँ पे एक भी ब्रिज बनाया गया है, उनके ऊपर से और एक ब्रिज ऊपर है देखो, इसीलिए इनको कहते हैं डबल टिकट। रूट ऑफ टच कर सकते हो, काफ़ी पुराना रूट्स है ठीक है, काफ़ी वीक हो गया सा है, तो इनके लिए यहाँ पे अलग से इनका ऊपर में कुछ काट का चीज़ बैठा गया है। यहाँ से देखो आपको दूर दिखेगा ना, ये देखो एक नीचे वाला है, उनका ऊपर वाला वहाँ पे, तो ये है इनका जड़, यहाँ से देख लो। अगर इस तरफ से आएंगे तो आपको इस तरफ मिलता है, और वायदा हुआ मैं आपको यहाँ पे मछली दिखाऊंगा ना तो आप चौंक जाएंगे, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा मछली है, घाना बड़ा बड़ा मछली, वाह। और यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है डबल टिकट, चलो मैं ऊपर से जाके करीब से दिखाता हूँ, ऊपर से जाके मैं आप लोग करीब से दिखाऊंगा अभी डबल डेकर। भाई ये जो ब्रिज है ना ये कितने साल पुराना होगा? Yeah. कितना साल पुराना है? हाउ ओल्ड ऑल दिस? 100। तो देख यार 100 साल पुराना ये ब्रिज है शायद, अभी ये वीक हो गया है तो इनके लिए बीच बीच में ऐसा बिछाया गया है ताकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का लोड पड़ता है यहाँ पर, बट यहाँ पे लोकल पीपल के लिए नहीं देने से भी एनफ सी, बट अभी हम ऊपर वाला में चढ़ेंगे, ये देख लो ऊपर वाला पे भी सेम है, बट और एक बन रही है ऊपर में देख, यहाँ से रूट्स गई है, यहाँ से और ऊपर में गई हुई है देखिए, तो देख लो यही चीज़ देखने के लिए या फिर यही चीज़ मज़े करने के लिए पूरा वर्ल्ड से आते हैं चेरापूंजी में डबल डेकर करने के लिए। लगभग यहाँ से शिलोंग से शायद 200 से ज़्यादा दूर होगा किलोमीटर, काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है, उनके बाद में यहाँ पे पहुँचना पड़ता है, 2 घंटा चलना पड़ेगा, और यहाँ पे दोनों पेड़ का बीचों से ये निकलते हुए खम्बे जिसे कहते हैं, और ये देख लो रूट्स वहाँ से बड़े बड़े गए हुए हैं। इनके बारे में क्या बताऊँ, यहाँ पे आने के लिए लगभग 2 घंटा तो चाहिए, जाने के लिए शायद 3 घंटा चाहिए, और यहाँ से हम अभी निकलने वाले हैं रेनबो वाटरफॉल के लिए, और यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, अभी हम यहाँ से चलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे है, आप यहाँ पे आकर के रुक भी सकते हो, आपको बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा आकर के किसी को ये अप्रोच कर सकते हो, यहाँ पे रूम अवेलेबल है कि नहीं वो लोग आपको बता देगा, क्योंकि काफ़ी सारे एब्रॉड के लोग यहीं पर रुके हुए हैं जैसा मुझे आकर यहाँ पता चला। फॉर फ्री इंफॉर्मेशन यहाँ पे डबल डेकर है, अभी मतलब ट्रिपल डेकर होने वाले हैं काफ़ी, मतलब 1-2 साल बाद यहाँ पे शायद ट्रिपल डेकर हो ही जाएगा ना भैया, डबल डेकर से ट्रिपल डेकर होने के लिए और ज़्यादा देर नहीं है। ये देख लो ये बन चुकी है भाई, रेडी ट्रिपल डेकर हो जाएगी, तो